वाओ, व्हाट अ ग्लो। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। सब फालतू है, 800 रुपए का पड़ा। इससे बढ़िया मिशन लगाओ फेस पर और ग्लो लाओ फेस पर। आंखें जल रही है। मेरे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। इसको हम डालेंगे बड़े डब्बे में तो वो है ना अंदाजा नहीं लगा पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज बज रही है 12 और मैं आज भी व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरी साड़ीज़ का डिवाइडेशन कर रही थी। जो न्यू थी वो भी सारी न्यू ओल्ड सब मिक्स हो गई थी तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली। जब टाइम मिलता है तब भी कर पाती हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा बिजी रहता है, सुबह से लगा कर शाम तक ऑल टाइम मैं बिज़ी ही रहती हूँ। जब फ्री होती हूँ शॉप पे होती हूँ तो घर पे आ नहीं सकती उस टाइम पे, इसीलिए। तो अभी बनाऊँगी मैं खाना और फिर हम जाएंगे शॉप पर। शॉप पर आज मैं काफ़ी लेट हो जाने वाली हूँ, ऑलरेडी 12 बज चुकी है और अभी मैं खाने की करूँगी तैयारी क्योंकि सारे काम रूम के काम में पड़ गई थी ना इसलिए लेट हो गई। चलो कोई नहीं, कभी कभी ये भी ज़रूरी है। चलिए बनाती हूँ खाना, खाना बना कर ही आपसे मिलूँगी, डायरेक्ट शॉप पर जाऊँगी तब। खाना बनाने के टाइम थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ना इसलिए। जैसे कि आपने देखा कि खाना बन चुका है, खाने में बनाए हैं भिंडी की कड़ी और रोटी। इसको मैं करती हूँ फिनिश और जल्दी से जाती हूँ शॉप पर। शॉप पर आज कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स बनाने हैं तो आज प्लान करेंगे या फिर कल, जब भी देखते हैं। पर आज एक बार कहते हैं ना, एक पूरा शेड्यूल कर देते हैं कि कब क्या रखना है, वही रेडी करना है। तो खाना खा के फिर चलेंगे शॉप पर। अभी जा रही हूँ मैं शॉप पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज लेट हो गई हूँ। थोड़े बहुत काम थे मम्मी के, मेरे दोनों के, तो आज ब्लाउज सिलाई करने के लिए भी देने हैं और कुछ रिपेयरिंग के लिए भी देने हैं। तो चलिए चलो। मैं आ गई हूँ सैलून पर और मेरे जो भी ब्लाउज और मम्मी के ब्लाउज लेके आई थी ना रिपेयरिंग करने के लिए, कुछ और बनवाने के लिए, तो वो देकर भी आ गई हूँ। और अभी जैसे ही आई, वैसे मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ है और नर्व के लिए बर्थडे गिफ्ट रिसीव हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूँगी क्या है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। हमारा पार्सल और इसको करेंगे हम अनबॉक्स। सबसे पहले निकालेंगे हम नव का गिफ्ट जो कि है रूबिक्स क्यूब, और जो बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि वो आजकल रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना और सीख रहा है। 4x4 का उसने मंगवाया है, यानी उसी से पूछ के उसके बर्थडे का गिफ्ट मंगवाया है हमने। अच्छा है ना, उसको जो पसंद हो। उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि आज आने वाला है, पर ऑर्डर उसने ही करवाया है और उसके बर्थडे पर उसकी फेवरेट चीज़ देंगे तो ज़्यादा मजा आएगा ना। आज उसका बर्थडे है, अब सेलिब्रेट करेंगे तो ऑब्वियस आपको बताएंगे हम। और दूसरा है मेरे लिए, और वो है मेरा टन टन मेरा बटुआ जो कि अच्छा आया है, पर ये कौन से ब्रांड का मंगवाया है? हैं? अपन ने कहा लीना पीपर रोज का मंगवाया था। मैंने इतना उम्मीद से, मेरे को नहीं चाहिए था वाइट वाइट कलर, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है मेरे पे। और कितना गंदा है मेला सा एकदम, और किसी की कॉपी है पक्का। तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। ऑर्डर क्या करते हैं और क्या आ जाता है? फिर लोगों का ऑनलाइन और शॉपिंग पे विश्वास ही उठ जाएगा। मंगवाया था मैंने ये वाला जो कि चिकू को और मेरे को दोनों को बहुत पसंद आया था, और मेरा जो हैंडबैग है वो ख़राब क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया तो चेंज करने का सोचा था, इसके बदले ये भेजा है। ये दिन है, ये रात है, ये तो रात से भी गया गुजरा है, क्वालिटी ही नहीं है बिल्कुल। मेरे साथ किया है बहुत बड़ा धोखा, अब इसको करेंगे वापस और कुछ नया अच्छा मंगवाएंगे। नव का तो अच्छा है। मैं कर रही हूँ मेरी आईब्रो ब्राज़ीलियन वैक्स से, तो अभी गर्म करने के लिए रख दी है। जैसे ही गर्म होती है और हल्की सी ठंडी पड़ती है तो फिर मैं मेरी वैक्स कर दूँगी आईब्रो। चलिए जब तक हमारी वैक्स हो रही है गर्म, तब तक मैं एक काम और कर लेती हूँ। जो मैंने कल ग्रीन टी स्टिक मंगवाई थी इसको आज यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि कल तो मुझे यूज़ करने का टाइम नहीं मिला था। यू आई थी तो उसके साथ करी थी मस्ती, अगर कल का ब्लॉग नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। तो इसका करते हैं हम ट्राई, एक बार करती हूँ इसको अनबॉक्स। अब इसको करते हैं ओपन। अच्छा ऐसे होगा,
अच्छा, पैकिंग तो इतनी गजब दे रखी है, इसके ऊपर और पैकिंग है। ध्यान से, फूट नहीं जाए, फूट लगेगा। लाम खोलो। हाँ खोलो। अभी मेरा फेस है एकदम क्लीन, बिंदी हटा देती हूँ, पर मैं ओनली फॉर नोज पर ही कर रही हूँ, तो क्यों हटा रही हूँ? मेरे को नोज पर, जहाँ पर मेरे ओपन पोर्सेस हैं वहाँ पर ही मैं इसको ट्राई करूँगी। स्मेल तो बहुत अच्छी है। कैसी है? ग्रीन टी वाला जो अपना एयर फ्रेशनर नहीं है उसके जैसी ही है। इसकी फ्रेगनेंस एरेंस में ग्रीन टी एक एयर फ्रेशनर है उसके जैसी है बिल्कुल। इसको मैं अप्लाई करती हूँ। ये तो मेल्ट हो रहा है। हाथ से कर लेना। नहीं, हाथ से कर ले, पूरा हो गया आटे जैसा हो गया। हाँ, ये मेल्ट हो रहा है एकदम। तो निकल जाएंगे ब्लैक एंड्स? पता नहीं, अब मंगवाया है वो, ये तो सोप की तरह है। साबुन तो नहीं देती अंदर पर्स जैसा है वैसे? हो सकता है इसके अंदर, पता है मेंथोल है, ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ, वो सब ब्लैक एंड्स डर के बाहर आ जाएंगे। चलो इसको हमको रखना है, चलो इसके ऊपर प्रोसेस पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं। मैं कैसे देख रहे हो? मैं जाऊँगा तुझे सीधे चुन पकड़, ठीक है? फर्स्ट वॉश योर फेस, ओपन द प्रोडक्ट, रिमूव स्पाइन एंड अप्लाई द ब्लैक एंड्स। अच्छा, कौन से कौन से कुछ नहीं कर रहे? ये बोल रहा है, ये दावा कर रहा है 15 मिनट तक आप इसको रहने दीजिए। अभी कितना समय हो रहा है? अभी 3:19 हो रहे हैं। 3:19 हो रहे हैं, तो हमको इसको रहने देना है 3:35 तक। देखते हैं 15 मिनट में ये महाराज क्या खेल दिखाते हैं हमारे फेस पर। अगर दिखा दिया तो अच्छा है ना, आप भी ले सकते हो। 15 मिनट तक करेंगे हम चिल, इंस्टाग्राम चलाएंगे। 15 मिनट का मैं बना रही हूँ टाइम लैप्स। अब उसमें आपको भी पता चलेगा कि मेरे फेस से क्या क्या निकल रहा है। जैसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में तो यही दावा किया जाता है कि थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब बाहर। 15 मिनट तक आप देखोगे मेरे फेस पर क्या क्या हो रहा है, इसलिए आपको भी प्रॉपर रिव्यू मिलेगा, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं मिलेगा। हो गए हैं मुझे ये पैक लगाए 15 मिनट, कुछ भी मुझे तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा लगा जो अभी तक मुझे लग रहा है, और थोड़ी थोड़ी खुजली आ रही है इस वजह से, कहीं मेरी स्किन को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। सब फालतू चर्चले हैं, कुछ भी नहीं हुआ इससे। जैसे कि इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये लगाने के बाद ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं और स्किन है वो एकदम स्मूथ हो जाती है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ निकला नहीं है। इसको क्लीन करके भी आपको मेरा फेस बताऊंगी मैं। सब फालतू है, 800 रुपये का बड़ा वेस्ट ऑफ मनी है। इससे बढ़िया मिशेल लगाओ फेस पर और ग्लो लाओ फेस पर। आँखें जल रही है। आँखें जल रही है, ये जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा आँखों में चला गया फेस वॉश करते करते। एक बार और वॉश करके आती हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को तो, और हल्की हल्की जलन हो रही है फेस पे। जैसे कि अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, और मुझे बनानी है मेरी आईब्रो। ये स्टिक यूज़ की कोई मज़ा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला फालतू है, पैसे खर्च करना मत, नवरे चौचले हैं ये। रब करने वाली हूँ मैं मेरी आईब्रो, पहले बना लेती हूँ मैं मेरे अपर लिप्स। मैं कर देती हूँ मेरी आईब्रो, फिर आपसे मिलूँगी। वैक्स हो गया है फेस पर और मैंने लगा दिया है फेस पर पिल ऑफ मास्क, क्योंकि थोड़े से वाइट हेड्स वगैरह आ गए थे इस प्रोडक्ट से तो रिमूव हुए नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वाओ, व्हाट अ ग्लो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जिससे कि मेरा पिल ऑफ मास्क मैंने निकाल दिया है, सॉरी वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी में थी, इसलिए तो मैंने जल्दी में रिमूव कर दिया, बता नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। मैंने पिल ऑफ मास्क यूज़ किया था बॉम्बे शेविंग का, और वो भी बहुत अच्छा था, बता देती हूँ मैं। ये वाला था पिल ऑफ मास्क, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इसलिए। पर अच्छा रिज़ल्ट है, एक बार में ही यानी चकास चका चक गया।
चलिए पीछे का काम तो हो गया है, अब जाते हैं आगे का काम करने के लिए। थोड़ा बहुत जो भी काम है वो कर लेते हैं शॉप का, और फिर जाना है हमको घर पे जल्दी, क्योंकि कपड़े धोने वाली बाई आ नहीं रही है। सुबह कपड़े ड्यू रख के आई थी, अभी जाके वॉश करने हैं। और आईब्रो जैसे कि मेरी बन गई है, आप देख सकते हो कैसी बनी है। मुझे है ना मेरे हाथ की आईब्रो अच्छी लगती है, सच में वो किसी के हाथ की नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं जो प्रॉपर शेप चाहती हूँ ना वो मैं मुझे किसी के हाथ से मिलता ही नहीं, इसलिए मैं रिस्क लेती ही नहीं हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ आईब्रो। तो चलिए अब आगे वाली शॉप पर पीछे कर देती हूँ शट डाउन। यहाँ पर पैक हो रहा है नव का बर्थडे गिफ्ट, उसके साथ हम प्रैंक करेंगे क्योंकि उसका आ गया है रूबिक्स क्यूब, और इसको हम डालेंगे बड़े डब्बे में, तो वो है ना अंदाजा नहीं लगा पाएगा। कपूर वाले डिस्पेंसर में डालेंगे, इतना बड़ा यानी डब्बा देख के उसको अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रूबिक्स क्यूब आ गया है। मजा आता है, उसका रिएक्शन चेक करते देंगे तो। डालो जी, डालो, मजा आएगा, मजा आएगा। चेक कर जा, नहीं लेगा बॉल में क्या खाली। उसका गिफ्ट इस तरीके से पैक हुआ है, ठीक चला कंप्लीट, ये तैयार है गिफ्ट नवड़े का। अब जा रहे हैं घर पर, कुछ पार्सल है वो ले लेते हैं, और नवू का गिफ्ट भी रेडी हो गया है, उसको भी ले लिया है। चलिए, ये हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर का कॉल आया है। ये है हमारा बर्थडे बॉय, आज कंप्लीट रेडी हो गया है, नई शर्ट, नए शूज, बाल भी नए नए कटे हुए, बाल भी नए। और ये इसको बर्थडे विश करने आई है सब। और ही यू आप क्या गिफ्ट दोगी नवू को? मेरे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं है, एक ड्राइंग बना के दे दे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके। अरे यार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यू को पहला क्यों हम हुए हैं यहां पे केक? अरे बेबी गिफ्ट लेके आती है, पिघल रहा है मम्मा, पिघल रही है। या सबके पेट छूटा। हाँ नबू, ये तो छू पर खाचू कितने यानी बड़ा लेता पीस चाचू के मुंह जितना खिला दिया मैंने। पहले ये खोलेंगे फिर ये खोलेंगे, ठीक है? चलो दो। नहीं यार, खाली डिब्बा। ओ ये क्या है? ये कुछ खोल दो, अब खोल ना, ये भी खोल खोल, ये तू और ध्यान से खोल, ध्यान से बेटा। अरे यार, ये कैसे पैक किया है? रुक, इसके अंदर कुछ वो भी ऊंचा था तो नहीं किया? अरे वो है ना, फिर लास्ट में चड्डी निकल गई थी उसके। अरे अरे यार, ओ बाप रे, ओ भाई पागल हो गया पूरा ना, इसका रिएक्शन लो। यार ये तो अटकता ही नहीं है। ले चल, अब मैं खोल लूंगा। अरे शांति रख, ध्यान से खोल। और क्या है? और मतलब पूरा इसको निकालेगा ना।
पूरी पजल जमानी है और ये ये तो टाइम पास के लिए बहुत जोरदार है। अच्छा बना है ये ना। 1 2 3 बिगाड़ के वापस अपने को 1 2 3 ऐसे जमाने। अरे ये तो सुन, थैंक यू बोल, निकाल दे पूरे मोरवी को। थैंक यू बोल, थैंक यू यार। फिर अन निकाल दे। अरे किससे बना है? पजल है। हेली दीदी ने बनाया। कैसे? नहीं सही बात क्या? अरे ये मशीन ले और सब आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, आप पैसे डालो। कैसे करना है मतलब? देखो तो इसमें मजा आ रहा है, देखो तो अजीब नहीं लग रहा, तो मेरे को कब आएगा? हमारा बर्थडे है वो अच्छे से हमने यहाँ पे सेलिब्रेट कर दिया है। अब सब जने हम डिनर करने के लिए होटल जा रहे हैं, तो होटल से आकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हम लोग आ चुके हैं डिनर करके और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कुछ वहाँ पर मैंने शूट किया ही नहीं, एक्चुअली क्या कैमरा लेके ही नहीं गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में जाना था और ये सब चीज़ें प्लान की नहीं थी इसलिए। और हाँ, ऑफ़र बन चुके हैं। आप अगर मेरे व्लॉग्स रेगुलर देख रहे हैं तो आपको और आगे भी देखते रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे ऑफ़र दिख जाएंगे जो शॉप करो पर आने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में। बाय।